इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। लॉकडाउन में राशन आराम से नहीं मिल रहा, लेकिन आपको जिस ब्रांड की शराब चाहिए तुरंत मिलेगी। मेरठ में ऐसे ऑनलाइन वाइन शॉप खुले आम होम डिलीवरी कर रही है, जिसके शिकार अब तक हजारों लोग हो चुके। ऑनलाइन ठगी की शिकायत पर आबकारी अधिकारी ने तो पल्लवपुरम थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। आपको बता दें, देश में लॉकडाउन के चलते सभी शराब के ठेके बंद हैं, लेकिन फिर भी शराब की आपूर्ति भरपूर मात्रा में मेरठ के अंदर हो रही है। हरियाणा मार्ग का तो कहीं ठेके से निकाली जा रही शराब चौगने दाम पर बेची जा रही है, जिस पर आबकारी विभाग मौन दिखाई दे रहा है। कहीं थोड़ी सी कार्यवाही करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा मार्ग का शराब की बिक्री मेरठ में जमकर हो रही है, वही सवालों के घेरे में आबकारी विभाग को खड़ा करती है। क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर सील किए गए हैं, तो आखिर हरियाणा मार्ग का शराब मेरठ तक पहुंची कैसे? अगर इसका स्टॉक पहले ही मेरठ में भरपूर मात्रा में लोगों ने कर लिया था, उसी समय क्यों आबकारी विभाग ने छापेमारी करके इसकी बिक्री को क्यों नहीं बंद कराया? अब मेरठ के थाना क्षेत्रों में हरियाणा मार्ग का शराब खुलेआम बिक रही है, तो वहीं ऑनलाइन ठगी करने वाले ठग भी अब अलर्ट हो गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए विज्ञापन चलाना शुरू कर दिया, जिसमें वह बताते नजर आ रहे कि ऑनलाइन शराब आपको घर बैठे मिलेगी, जिसके लिए पहले आपको गूगल पर या पेटीएम से उनके अकाउंट में पैसे जमा कराने पड़ेंगे। अब तक हजारों लोग इसके शिकार हो चुके हैं। मामला आबकारी विभाग तक पहुंचा। आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में ऐसे ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और जल्द ही हरियाणा शराब की जहां बिक्री हो रही है उस पर पाबंदी लगाने की बात कही है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि आबकारी विभाग कितनी कार्यवाही ऐसे ठिकानों पर करता है। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। सर, वाइन शॉप जो आजकल ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हैं, उन पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन ठगी का एक मामला हमारे प्रकाश जानकारी में आया था, जिसमें प्रदीप दुबे नाम के किसी व्यक्ति ने कोई ऐड दिया हुआ था, तो मेरे पास ऐड है और उसको देख के वहाँ के ठेकेदार को बुला के उसकी तरफ से FIR दर्ज करा दी गई है और इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को भी दे दी गई। सर, हरियाणा मार्ग का शराब जिस तरीके से शहर के अंदर आ रही है, लॉकडाउन के बावजूद यहाँ बिक रही है, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, हमारी टीम तो अलर्ट है। लॉकडाउन के दौरान जो है बॉर्डर पे पुलिस लगी हुई है, अगर उसमें आ रही है तो उसके लिए भी हमने एक अभियान चलाया हुआ है और उस अभियान में हमने 3 टीम बनाई हुई है जो सुबह दोपहर शाम निकल के चेकिंग कर रही है। अगर पकड़ा जाता है, अगर जानकारी में आता है तो ज़रूर पकड़ा जाता है। हमने बहुत सारी शराब पकड़ी भी हैं इस दौरान, लेकिन अब ये बहुत न्यूनतम स्तर पर आ गया है, क्योंकि हरियाणा भी बंद है इसलिए अब आ नहीं पा रहा है।